मिस यू। अरे कोरोना में ऐसे नहीं करते। ओटीपी तो एक सेकंड। अरे ओटीपी क्या है? ओटीपी क्या है बेबी? अब नहीं पता मुझे, प्लीज अब मुझे याद नहीं। बता दो, वो पूछ रहे हैं। एक सेकंड दे रहे हैं, उनके पास है ना। मेरे ख्याल से 3685 है, देखना 3685 है क्या? सही है। बाय बेबी। मिल गया? हाँ। कैसे? मेरे को याद आया। Hi guys, welcome back to our channel. और अभी आप देख रहे हो जहाँ पे हम लोग खड़े हैं वो है दिल्ली एयरपोर्ट। हम लोग दिल्ली पहुँच चुके हैं और जा रहे हैं अपने घर। अपने घर। इसमें यही ट्विस्ट था कि ये अपने घर जा रहा है, मैं अपने घर जा रही हूँ। मतलब मैं अपने मम्मी पापा के पास जा रही हूँ, ये अपने मम्मी पापा के पास जा रहा है। और उसका रीजन क्या है ये संभावना आपको भी कैब में बैठ के बताएगी। हाँ चलिए, मैं कैब में बैठ के बताती हूँ। कैब आ गई है तो हम लोग दोनों अलग अलग रास्ते जाएंगे जरूर, लेकिन लास्ट डे हम दोनों मिल जाएंगे और मैं अविनाश की फैमिली से मिलते हुए वापस आऊंगी। तो चलो बीच में बातें करेंगे। अरे 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 अरे, ये तो आ गया। हम दोनों आप लोगों से मिलते रहेंगे बराबर बराबर टाइम पे। चलो बेबी, मिस यू। अरे कोरोना में ऐसे नहीं करते। अरे चलो भाई। तुम्हारी गाड़ी किधर है? मैं तुम्हें ओटीपी देता हूँ अभी, 3685 याद रखना। ठीक है बेबी, मेरे पास पैसे हैं ना। मेरे ओला मनी से कट जाएगा। तुम्हारे ओला से कटेगा? ठीक है। तो ये निकली मैं अपने घर की ओर। ओटीपी तो एक सेकंड। अरे ओटीपी क्या है? ओटीपी क्या है बेबी? अब नहीं पता मुझे, प्लीज अब मुझे याद नहीं। बता दो, वो पूछ रहे हैं। एक सेकंड दे रहे हैं, उनके पास है ना। मेरे ख्याल से 3685 है, देखना। सही है। बाय बेबी। मिल गया? हाँ। कैसे? मेरे को याद आया। तो मैं आपको ये बता रही थी, कोरोना से लेकर उसके बाद से लेकर 8-9 महीने हो गए मैं अपनी मम्मी से नहीं मिली हूँ। तो मैं अपनी मम्मी से मिलने भी जा रही हूँ और भैया मैं वीडियो में बात कर रही हूँ। आपको चलेगा, मैं वीडियो में हूँ। अच्छा, उनको लग रहा है मैं उनसे बात कर रही हूँ। तो मैं अपनी मदर से मिलने जा रही हूँ। मैं इसलिए अविनाश के घर नहीं जा पा रही हूँ क्योंकि मुझे डायरेक्ट मेरे को अपनी मॉम से मिलना है। उनको मैं आपसे मिलवाऊंगी तो नहीं, लेकिन मैं आपको ये जरूर बता सकती हूँ कि वो मच बेटर है। जो बेड रिडन होता है उनको कभी भी नहीं अच्छा लगेगा, ना आपको देखने में अच्छा लगेगा ना उनको अच्छा लगेगा कि मैं उनको दिखाऊं। लेकिन बाकी सब मैं अपनी भाभी से, छुटकी से, ब्रदर भी बहुत शाय है, वो ब्लॉग में आएगा नहीं, वो आनाकानी करेगा, या फिर अपने पापा से, मैं उन सबसे डेफिनेटली मिलवाऊंगी और जो जो होता रहता है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। लास्ट डे जाऊंगी मैं अविनाश के घर, जो कि है कि हमारे मतलब जब एयरपोर्ट जाने का टाइम है तो मैं सुबह सुबह ही निकल जाऊंगी, सो दैट मुझे मेरे सास ससुर सबसे मिलने का मौका मिले। तो अब हम कहाँ पहुंच गए भैया? राजौरी गार्डन। दोस्तों संभावना ऑलमोस्ट अपने घर पहुंचने वाली है और उसका पहले अपने घर जाना बहुत जरूरी था क्योंकि बिकॉज ऑफ कोरोना वो पहले ही अपना टेस्ट करा के आई थी और अब वो अगर मेरे घर से होके जाएगी तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। और उसको अपनी मम्मी से मिले हुए 1 साल हो गए थे और हम लोग भी ये चीज समझते हैं कि ऐसा ही, क्योंकि ससुराल पे ही ज्यादा रहना है, मायके में भी जाना उतना ही जरूरी है। क्योंकि अभी मेरे मम्मी पापा के साथ तो काफी टाइम उसने स्पेंड किया था। मम्मी पापा गणपति पे आए थे बॉम्बे तो हम लोग 1 महीना साथ में थे, तो इस वक्त उसका अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत जरूरी है, मम्मी के साथ स्पेशली। इसलिए इस बार ऐसे प्लान आउट किया कि वो ज्यादा से ज्यादा टाइम बिता सके मम्मी के साथ अपने। बस बस भैया रुको, मेरे को लेने के लिए मेरी छुटकी मिट्टी आई हुई है। हेलो मिट्टी। हेलो मेरी बीवी। ओ जो पत्ते मेरी छुटकी। अरे मेरी मिट्टी तो लंबी हो गई। एक ये होगा बैग और एक और मम्मी का है, लेकिन हम ले जाएंगे क्या? पापा भी आ गए। चलो अभी पापा से भी मिलवा देते। आओ जरा दादा से मिले। हाँ जी पापा, मैं ऊपर पहुंच के फिर मिलती हूँ आपसे, मतलब घर पे ऊपर नहीं। अब हम लोग ऑलमोस्ट मेरे घर पहुंचने ही वाले हैं और दिल्ली का मौसम बहुत ज्यादा खराब है, बादल हो रहे हैं ठंड के टाइम पे। मैंने अपनी सिस्टर से पूछा था क्या टेम्परेचर है मिनिमम, तो उसने मुझे बोला 20 और यहाँ आके मैंने चेक किया तो 20 मैक्सिमम है, मिनिमम तो 10 है। और मैं उस हिसाब से कपड़े भी नहीं लाया हूँ अपने। आओ पापा, मैं भाग के पहुंच रही हूँ, बारिश हो रही है। लो जी आ गए, दे रहे हैं। इतना अंधेरा करके क्यों बैठे हो आप लोग?
अंजी हाँ जी अंजी दिल्ली वाले हाँ जी कितना देर से इंतजार कर रहे हैं हम लोग। अरे मैं अपने घर का रास्ता भूल गया। हाँ घूम के इधर से आ रहा है ना। एक कट मिस हो, मैं अपने घर ढूंढ रहा हूँ। तो कैब वाला कह रहा भैया अपने घर जा रहे हो ना। मैंने बोला हाँ। ये देखो मेरे आती बारिश हो गई, आप लोग को दिखा देता हूँ मैं। हल्की हल्की हो रही है अभी तो, और मैं गर्म कपड़े बिल्कुल भी नहीं लाया हूँ। ऑल थैंक्स टू माई सिस्टर। आप बना के रही हो बैगन भाजा? 4 बजे 4:30 बजे बैगन भाजा एकदम गर्म दूंगी ना तुझे। तो जी मैं मिलवा देती हूँ अपनी भाभी से, जिनका नाम है राखी, और इनको भी मैंने बहुत ही गंदी एक आदत डाल दी है ये करने की। अब ये भी मेरी तरह बैठ के ना रात को यही करती रहती है। तो वो मजा आता है क्या ये करने में? हाँ ये मैंने सुबह ही स्टार्ट किया था। ये आज ही स्टार्ट किया है? हाँ। अरे वाह, मेरा डेली एक हो जाता है। ड्रॉइंग में काफी ऐसा लगता है काफी अच्छे नंबर आए हुए आपके। मेरे मैं तो ड्रॉइंग में कभी अच्छी नहीं। ड्रॉइंग होती है मम्मी करती है हमेशा। मैं चाहती थी कि आप लोग राखी से मिलो, जितना भली अच्छी बातें करूंगी उतनी ज्यादा मुझे चाय मिलेगी। इसी बात पे मैं बताना भी चाहती थी राखी को, मेरे चाय मिली नहीं है। मैं मम्मी के साथ अंदर थी और मम्मी के रिएक्शन इतने अच्छे थे ना मुझे देख के, बहुत रोई भी है और बहुत रिएक्ट भी किया है। बट मैं तब से मुंह पे मास्क पहन के बैठी हुई थी, आते मैंने चेंज कर लिया, गार्गल कर लिया, मुंह पे मास्क लगा लिया ताकि मम्मी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं हो मतलब। और जो मेरा बड़ा भाई है वो वहां को जा रहा है और मैं मिलवाऊंगी बाद में आराम से, इसको मैं लाऊंगी कैमरे पे। और हम लोगों का प्यार इतना ज्यादा है कि हम दोनों भाई बहन होते, भाई बहनों को देखो प्यार ही ऐसा होता है कि चाकू दे दो एक दूसरे को घोंप देंगे। संभावना को फोन लगा रहा था कि पहुंची कि नहीं पहुंची। जो मैंने ट्रैक किया उसकी राइड को, मैंने ही बुक की थी तो मुझे पता चल गया कि पहुंच तो गई है, बट शायद अभी बिजी हो गई है पहुंच से इसलिए फोन नहीं उठा रही है। क्यों मिट्टी क्या बोलती हो? अभी अभी मिट्टी शर्मा रही है, लेकिन ये मेरी बुदुगड़ी है एकदम। ये बुदुगड़ी बुदुगड़ी मतलब पता है क्या होता है? नहीं मुझे भी नहीं पता। और हमारे घर में यहाँ पे भाई के घर पे पोगो भी है, मतलब मिलवाए पोगो से। पोगो किधर है? पोगो 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 मैं देखती हूँ पोगो किधर है। पोगो बेटा ये रहा पोगो। पोगो 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 मैं कितने साल का हो गया राखी है? 11 इयर्स का हो गया पोगो। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे भाई से मिले। मत कर यार प्लीज। सुन रहे हो? देखो जब तक ये नहीं कहेगा तब तक कैमरा इसकी तरफ मैं मोड़ूंगी नहीं, क्योंकि दैट्स चीटिंग, ये मैं नहीं करूंगी। जिस दिन ये कहेगा उस दिन मैं कैमरा इसके ऊपर कर दूंगी। आप हो सकता है पूरे व्लॉग में इसकी सिर्फ आवाज सुनते रहो तो भी कोई बात नहीं है, मैं जबरदस्ती नहीं करती। अरे बाप रे बाप रे बाप, और इधर तो ठंड भी है भाई। बारिश भी हो गई भाई। बारिश हो गई है। हाँ उस छत पे मतलब किसी और की छत पे जा रहे हम? हाँ, ये वो हमारी नहीं है। नहीं आप मुझसे ज्यादा इधर का पूछो मत, क्योंकि मैं दिल्ली में ज्यादा रही नहीं हूँ। मतलब मैं जब तक रही हूँ दिल्ली में तब तक मैं जनकपुरी में थी। सो जब से मेरे पेरेंट्स में शिफ्ट हुए तब से मैं दिल्ली में तो रही नहीं हूँ, तो मुझे पता इतना आइडिया ही नहीं है कौन सी छत किसकी। ये आपको मेरे पीछे जो दिख रहा है, यहाँ पर सब लोग वॉक करने के लिए जाते हैं। मेरा भाई एक्सरसाइज करने के लिए आता है और मैं भी जाती हूँ। एक साल ऑलमोस्ट एक साल के बाद आ रही हूँ मैं। मैं जल रही हूँ वापस चाय पीने के लिए। तूने चाय नहीं बनाई? अरे इसको कितना मजा आया है। अरे ननद को धक्का लगा तो इसको कितना मजा आया है। मम्मी ने खाना खिला दिया दबा के आती। अब मैं जरा अपना बैग खोल लूं। ये लो पापा। क्या है? मिठाई है, वो फेमस उसी की। आपने खाई थी ना वहाँ पे? थैंक यू। और ये मम्मी खोलो। और इसमें 3 लोग के कपड़े हैं, आपके दीदी के निशा के। अभी आपका दिखाता हूँ। वो वाले ना मम्मी, वो गोवा के फेमस काजू है। बहुत अच्छा है। और आम पापड़ भी है उसमें। और रोस्टेड वो है काजू। हाँ और मैंने ये लिया था गोवा से आपके लिए एक, ये वहाँ की कोई फेमस शॉल है किसी चीज की। थैंक यू। पसंद आया आपको? हाँ बहुत अच्छा। एक मिनट आपको। अरे कुछ भी दोगे हमें बहुत पसंद आएगा। और मैं आपको बता दूं कि बाहर इतनी बारिश हो रही है और इतनी ठंड है कि ये लो मेरी जैकेट निकल आई। मैं नहीं रह सकती, ये लोग तो मेरे पास हंस रहे हैं लेकिन मैं नहीं रह सकती भाई बिना जैकेट के। कौन हंसा? आपके जो पापा है ना। पापा हंसे? हाँ हंसे हैं। अरे मेरी प्रो व्लॉगर एकदम आता है कि कैमरे को ऐसे कैसे पकड़ना है। अरे वाह बच्ची, आप तो कह रहे हो मैं करने लगी हूँ। करो आपका आपके व्यूअर्स भी यहीं बैठे हैं। चलो एंड चलो पोगो आपको देख रहा है, जल्दी चलो स्टार्ट करो। एंड गो। 1 2 3 4 अरे 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 चार में नहीं, मिट्टी चार में चली गई। क्या क्या था आपने? अब आप 60 सेकंड्स बस चाहिए मुझे। 60 सेकंड्स कम ऑन। तो जी खाना तो पूरा बना दिया मम्मी ने, अब बन रही है सिर्फ रोटी। तो आपको दिखा देता हूँ मम्मी की रोटी कैसी फूलती है। मुंह फुलाने को थोड़ी बोला है, रोटी फुलाने को बोला है। ला रही हूँ तो पकने तो दे। अरे वाह सास बहू ने रोटी फुलाने का कंपटीशन लगा रखा है, दोनों एक दूसरे से मोटी मोटी रोटी फुलाना चाहती है। अरे अरे किसने जोर से हाथ चल रहा है आपका? तो ऐसा लग रहा है बिजली से चल रहा है हाथ। अरे अरे तो
जी मैं आ गई हूँ रूम के अंदर। ये रहेगा कुछ दिनों के लिए मेरा रूम, जो कि मिट्टी का रूम है, और यहाँ पर मैं बैठ के आराम से अपनी कलरिंग करूंगी। यहाँ पे मैं आराम से, क्योंकि मेरे को इतना अच्छे लग रहे ना ये स्टफ टॉयज वगैरह यहाँ पे रखे हुए मिट्टी ने। अभी आके देखेंगे कि बुआ ने रूम मार लिया है। मेरे साथ राखी भी है और राखी को भी इतनी आदत पड़ चुकी है ना ये करने की, ये राखी ने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है और मैं कुछ इसमें से देख के स्टार्ट करूंगी। और ये कलर्स, चलो जी शुरू हो जाए। आजा, तो मैं अभी तक के आपको दिखा देती हूँ कि किस किस ने क्या क्या किया है। मुझे लगता है मिट्टी बाजी मार गई है, ऐसा लग रहा है मेरे को। ये देखो, ये मेरा है, ये राखी का है, ये राचा है। एक्चुअली इधर से तो बहुत अच्छा लग रहा है राखी, लेकिन जो मिट्टी ने किया है दिखाओ जरा। मिट्टी आउटस्टैंडिंग लग रहा है ये वाला तो। मिट्टी मेरा तो अभी फीका फीका ही है। मुझे लगता है शायद मैं बहुत टायर्ड भी हो गई हूँ, इसलिए नहीं हो रहा है। तो मेरे को लगता है आज मैं सो जाती हूँ, कल सुबह उठ के और दोबारा से मिलेंगे। तब तक मेरी तरफ से और मेरी मिट्टी की तरफ से गुड नाइट। थोड़ा सा कट करना पड़ेगा, बहुत लंबा था। ठीक है, आप बोलो, आप बोलो ना फिर गुड नाइट। हरी हरी गुड नाइट। हाँ, मेरे को नहीं बोलना, वहाँ पे बोलना बेटा सब्सक्राइबर को। नहीं बोला है वहाँ, बोलो ना देख के गुड नाइट। हाँ, कल मिलती हूँ आपसे मॉर्निंग में, थोड़ी फ्रेश भी हो जाऊंगी, इस समय ऐसी हूँ मैं। तुझे खाना वाना खा लिया सबने, मम्मी पापा जल्दी सो जाते हैं, वो लोग सो गए। मैं कुछ काम कर रहा था, अभी भी संभावना से बात हुई, वो भी अब सोने वाली है, मैं भी सोने वाला हूँ। आप लोग को मिलते हैं कल सुबह। गुड नाइट, शुभ रात्रि।